पंजाब पुलिस ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल दो गैंगस्टर्स को बीते बुधवार की शाम अमृतसर के पास मार गिराया। ये मुठभेड़ पंजाब पुलिस और शूटर्स के बीच करीब 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल दो प्रमुख हत्यारों जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू को मार गिराया गया। दोनों शूटर्स के मारे जाने के बाद तहकीकात में कई खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। इनमें से जो सबसे खास खुलासा है और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या अटारी बॉर्डर के जरिए दोनों ही शूटर्स का पाकिस्तान भाग जाने का प्लान था। कहा जा रहा है कि इसको लेकर बब्बर खालसा इनकी मदद कर रहा था, साथ ही गैंगस्टर गोल्डी वराड़ का भी इसमें बड़ा हाथ था, वो भी इन दोनों शूटर्स को भागने में और बल्कि पाकिस्तान में पनाह लेने में मदद कर रहा था। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर्स के अटारी पहुंचने पर इनके पाकिस्तान भागने का शक लगातार गहराता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर ये सिर्फ छुपना चाहते थे तो अटारी का रास्ता ही क्यों चुना, जिसको लेकर यह भी माना जा रहा है कि दोनों ही शूटर यानी कि मनु और रूपा पाकिस्तान भागने की फिराक में थे। बीएसएफ को भी अलर्ट किया गया था कि शूटर अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भाग सकते हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी थी, इससे शूटर्स को भागने का मौका ही नहीं मिला, दोनों मार गिराए गए। सूत्रों की माने तो ये दोनों ही शूटर भागने में करीब करीब सफलता पा भी सकते थे। इस बीच पंजाब पुलिस को इनके भागने की सूचना मिल गई। बीएसएफ पहले से ही अलर्ट था, जिसके बाद पुलिस भारी मात्रा में फोर्स के साथ पहुंच गई और दोनों को घेर लिया। वहीं पुलिस को आता देख दोनों ही खेत में छिप गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास स्थित बकना कला गांव की पाकिस्तान से दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर है, यानी कि अगर पुलिस को यह सूचना जरा भी देर से मिलती तो दोनों शूटर भारत की सीमा छोड़कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो चुके होते। कहा जा रहा है कि इस काम में इन दोनों शूटर्स की मदद कर रहा था कनाडा में बैठा गैंगस्टर और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक प्रमुख आरोपी गोल्डी वराड़। पंजाब पुलिस सुबह से ही दोनों शूटर्स की घेराबंदी करने के बाद सरेंडर करने के लिए कह रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी सरेंडर को तैयार नहीं हुआ। वहीं इसके इतर दोनों ने पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग शुरू कर दी। इसी मुठभेड़ में पुलिस ने एक शूटर को मार गिराया। इसके बाद आगे की मुठभेड़ में पुलिस ने दूसरे शूटर को भी मार गिराया और इस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल दोनों प्रमुख शूटर्स मार गिराए गए, वो भी पाकिस्तान में दाखिल होने की साजिश को अंजाम देने से पहले। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।